अक्सर राजनीति से आपको ऐसी खबरें सुनाई देती रहती है जिसमें विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है जब दो नेता एक दूसरे से खुलकर गले मिलते हैं, और एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव के बीच। जी हाँ, ममता बनर्जी ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव के पैर छुए और ये नजारा सचमुच बेहद खास था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। आखिरकार क्यों ममता बनर्जी ने छुए लालू प्रसाद यादव के पैर? आखिरकार ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव को वो कौन सा खास तोहफा दिया, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से उनके घर पटना में जाकर मुलाकात। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव के पैर छुए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है जब दो नेताओं का ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है। ममता बनर्जी का ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ममता बनर्जी ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव के पैर छूती नजर आई, बल्कि साथ ही ममता ने लालू यादव को तोहफे में एक शॉल भी दी। साथ ही ममता ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को भी एक साड़ी गिफ्ट की। ममता बनर्जी ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल एक परिवार की तरह हैं। बिहार की मिठाई को ममता ने कहा कि वो बहुत ज्यादा मिस करती हैं। साथ ही ममता ने कहा कि वो लालू जी की काफी इज्जत करती है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि लालू जी को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। ममता ने कहा कि लालू जी अभी भी तगड़े हैं। बीजेपी के खिलाफ ममता का कहना है कि वो सब साथ हैं और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को विपक्षी नेताओं की हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहा है। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम राजनीति से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचाते रहें।